हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वन प्राण मेकअप ट्यूटोरियल। और इस मेकअप लुक में मैंने मैक के ही सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ भी मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मैक का फेस प्राइमर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी है तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये सूट नहीं करेगा। बट हाँ, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर। ये कंसीलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, कंसीलर काफ़ी अच्छा है इसका। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक की ब्रो पेंसिल्स लगा रही हूँ मैं। और ये ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल है, इसे मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक की लिपस्टिक से अपना आई शेडो। और सॉरी गाइज, मेरे पास मैक का जो है आई शेडो नहीं है और कॉम्पैक्ट पाउडर भी नहीं है, बट जितने ही प्रोडक्ट थे ये सभी मैक के हैं और मैं इसी की हेल्प से अब अपना आई शेडो लगा लूँगी। ये एक न्यूट्रल सा शेड है, काफ़ी लाइट शेड था लिपस्टिक का, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का एक आई शेडो लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ा सा डार्क कलर नज़र आए, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट थी गाइस, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर का आई शेडो लेकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपनी आईज़ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर, और ये काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। अगर आप वर्किंग हैं तो डेली यूजेस के लिए ये आपको बहुत ही अच्छा रहेगा आईलाइनर, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आईलाइनर ये, और वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक की काजल, और ये काजल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाइस, क्योंकि ये स्मच हो जाता है और वाटरप्रूफ भी नहीं है ये काजल, और ना ही ये जेट ब्लैक है, बहुत ही लाइट सा काजल है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लेकर अपने काजल को हल्का सा स्मच कर लूँगी। यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, और ये मस्कारा काफ़ी अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, डेली यूजेस के लिए ये मस्कारा भी काफ़ी बेस्ट है। नेक्स्ट मैं ये मैक की ही लिपस्टिक से अपने फेस को कंटूर करूँगी। ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी क्रीमी है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है और अच्छी आप इससे कंटूरिंग कर सकते हैं अपने फेस की, काफ़ी क्रीमी है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा लूँगी ब्लश। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिप लाइनर। और गाइज, अगर आप लिपस्टिक से पहले लिप लाइनर से अच्छे से अपने लिप्स को फिल करके लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर आता है लिपस्टिक का और बहुत ही प्यारा लगता है लिप शेड। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मैक की लिपस्टिक, और ये न्यूड सा शेड है, ऑरेंज सा शेड है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मेकअप फिक्सर, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।